हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 19A करेंगे फॉर द क्लास फिफ्थ, डेट 12 जुलाई 2021। हिंदी की वर्कशीट है, हिंदी कार्यपत्रिका। तो जैसा कि आपको पता है, आप अपनी अपनी कॉपीज़ में एक नया पेज निकालेंगे, आज की डेट लिखेंगे, इसमें वर्कशीट नंबर लिखेंगे, हिंदी कार्यपत्रिका नंबर 19A, ठीक है। अपनी क्लास लिखेंगे, उसके साथ सेक्शन ABCD जो भी आपका सेक्शन है, अपना नाम, अपने टीचर का नाम। बच्चों, आप लोग अपनी जो आपकी वर्कशीट होती है व्हाट्सएप पे भेजते हैं अपने टीचर्स को। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको क्या करना है, हर पेज पे अपना नाम लिखना है, उसके बाद ही अपना काम सेंड करना है, जिससे कि आपका काम इधर उधर मिस ना हो, ठीक है। तो बच्चों बच्चों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये जो वर्कशीट है, इसका सेकंड पार्ट भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी, तो प्लीज़ आप ये भी देखें और नेक्स्ट भी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, विद द वर्कशीट नंबर 19A। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हम सबको कुछ नया सीखना, पढ़ना या जानना पसंद होता है, जैसे किसी को नए खेल सीखना, किसी को नए नृत्य सीखना, तो किसी को नई किताबें पढ़ना। और जब हम कुछ नया करते हैं तो हम उसे बार बार दोहराकर स्थायी करते हैं। आज भी हम कुछ ऐसे ही मज़ेदार करेंगे। प्रश्न एक, बेटा एक बार हम पूरी वर्कशीट पर नज़र मार लेते हैं, देखेंगे ये दो पोटलियाँ दी हुई हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका कुछ कलरफुल सा है, नेक्स्ट है आपका बातचीत, ठीक है। सो देख लेते हैं। प्रश्न एक, नीचे दो पोटलियाँ दी गई हैं। पहली पोटली में जो शब्द हैं उनके अर्थ दूसरी पोटली में बंद हैं। क्या आप दोनों पोटलियों में से शब्दों के सही अर्थ खोज सकते हैं? अपनी कॉपी में एक बड़ी सी पोटली बनाकर उसमें शब्दों को के सही अर्थ लिखिए, ठीक है। तो आपको इसमें शब्दों के सही अर्थ लिखने हैं। एक पोटली में कुछ शब्द हैं, दूसरी में आपको उसके मीनिंग्स ढूंढ कर लिखने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। मंजूर करना यानी कि स्वीकार करना। अगला चकित मतलब हैरान। नेक्स्ट है विजय मतलब जीत। गवाना, खोना। सिल होता है एक पत्थर का नाम, ठीक है, देख लेंगे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न दो आइए आज हम अपना एक शब्दकोश बनाएं। बच्चों, शब्दकोश क्या होता है मुझे कमेंट्स में बताएंगे ज़रूर। अपने नाम के हर अक्षर के से एक शब्द लिखिए और उसके सामने उसका अर्थ। आप उसका एक चित्र भी बना सकते हैं। घर के बाकी सदस्यों के नाम से भी आप अपना शब्दकोश को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण है रमा, ठीक है। तो बच्चों, आपको क्या करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो है वर्कशीट, ठीक है। प्रश्न दो इसमें है शब्दकोश। शब्दकोश होती है एक डिक्शनरी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको पहले ये एक टेबल बनानी है जिसमें क्या है, अक्षर, शब्द, अर्थ और चित्र, ठीक है। तो अक्षर, जैसे एक नाम दिया है रमा, रमा में र और मा आता है, तो इनसे हमें क्या करना है, वर्ड्स बनाने हैं और फिर उन वर्ड्स का मीनिंग लिखना है, ठीक है। तो पहला इसमें आ गया र, तो र से इन्होंने क्या करा, रंगीन, कोई भी एक शब्द कर लेंगे, ठीक है। रंगीन का मतलब होता है रंग से भरा। अब एक इन्होंने एक चित्र बना दिया जो रंग से भरा है, कलरफुल सा चित्र बना दिया।
ठीक है। देन है माँ, माँ से इन्होंने एक शब्द बनाया माली, बाग की देखभाल करने वाला। इसी प्रकार आपका नाम जो भी है उसका जैसे पहला लेटर म है, ठीक है, म से आप कोई शब्द बना देंगे, उसका फिर अर्थ लिखना और फिर उसी का चित्र बनाना है। इस प्रकार आपको ये प्रश्न करना है, आपका क्या नाम है और आपने क्या शब्द बनाए और उसका अर्थ क्या लिखा, वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं बच्चों। अगला प्रश्न, आओ बातचीत करें, आओ बातचीत करें। प्रश्न 3, प्यारे बच्चों साथ दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी कि बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। हमने लास्ट वीक भी इस तरह के क्वेश्चन किए थे, है ना, रोज़ आता था क्वेश्चन नंबर 3 बातचीत कि एक आपको ड्राइंग दी जाती है, जैसे इस तरह की ड्राइंग दी गई और उसके बाद बताया पूछा कि आपसे कि उसमें लोग जो हैं किस बारे में बात कर रहे हो सकते हैं, वो आपको लिखना है उनकी बातचीत। तो आप देखेंगे एक ओल्ड लेडी है, एक बच्चा है, रोड पर हैं ये दोनों, चल रहे हैं, तो चलिए इनकी बातचीत देखते हैं क्या हो सकती है। तो बच्चा कहता है, ये बच्चे की मुझे दादी या नानी लग रही है, हम लिखेंगे आओ दादी माँ, आपको मैं सड़क पार करा दूं, ठीक है, ये बच्चे ने बोला। फिर दादी माँ उसको जवाब देती है, शुक्रिया बेटा, तुम बहुत ता है बच्चों, इतना मदद गार हो। इस प्रकार आपको इनकी कोई भी बातचीत लिखनी है और कमेंट्स में मुझे बताना है आपने क्या क्या बातचीत लिखी है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आओ दादी माँ, आपको मैं सड़क पार करा दूँ। तो इस पर दादी माँ बोलती हैं, शुक्रिया बेटा, तुम बहुत मददगार हो। दादी खुश हो गई है ना। तो बेटा आपने भी कभी ऐसे कोई किसी की हेल्प की है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलिए आपके मम्मी पापा के लिए एक सुझाव है बच्चों, बच्चों को बताइए कि भाषा के सही प्रयोग के लिए शब्दों के सही अर्थ का जानना ज़रूरी है, ठीक है। बच्चों को नए शब्द सीखने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहें। तो बच्चों आज आपने कौन सा नया वर्ड सीखा मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है। एंड बच्चों का चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। एंड बच्चों ये जो नेक्स्ट आपकी वर्कशीट है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ओके। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं, ठीक है। थैंक यू बच्चों, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय, टेक केयर।